सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, Xiaomi कंपनी ने आज इंडिया में दो नए टीवी लॉन्च कर दिए हैं। जो पहला जो टीवी है वो Mi TV 4A Pro 43 इंच और दूसरा जो टीवी का नाम है Mi TV 4X Pro 55 इंच। ये दो टीवी नए टीवी लॉन्च किए थे, मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी लॉजिक वीडियो लाता रहूँगा। तो हम दोनों की स्पेसिफिकेशन साथ में करेंगे। तो पहली बात आती है इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको जो 43 इंच वाला टीवी है इसके आपको फुल HD रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है। इसमें आपको 43 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है और इसमें आपको 16 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि जो पुराना एक 4A 43 इंच वाला टीवी था वैसा ही आपको इसमें रिजोल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है। अब बात आती है दूसरे टीवी की, तो 55 इंच का, तो इसमें भी आपको 4K प्लस HDR का रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है। पर इसमें थोड़ी सी बदलाव ये बात है कि जो पुराना 55 इंच वाला टीवी था वो एक थिनेस्ट टीवी था, ग्लास पैनल था, पर इसमें आपको जो बॉडी प्रॉपर बॉडी के साथ में आपको मिल रही है टीवी। और इसमें आपको जो 10 बिट्स का आपको कलर रेट आपको मिल जाता है, 16 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि जो डिस्प्ले है वो आपको सेम मिलता है, आपको सिर्फ इतनी फर्क इतना ही है कि इसमें आपको जो बेजल्स है उसमें आपको इसमें मिल जाएगी 55 इंच के टीवी में। जो पहला जो टीवी था वो बेजललेस डिजाइन वाला था, यानी कि ग्लास बॉडी था, इसमें आपको ग्लास पैनल नहीं मिलती। तो ये बात थी डिस्प्ले की दोनों टीवी की। अब बात आती है दोनों के पोर्ट्स की। तो 43 इंच के टीवी में आपको बताना चाहूँगा USB 3 मिल जाते हैं, HDMI के 3 पोर्ट्स आपको मिलते हैं, AV का एक है, ब्लूटूथ का 4.2 आपको मिल जाता है, ईथरनेट का एक पोर्ट आपको मिल जाता है, वाईफाई का 2.5 गार्ड्स का रेट आपको इसमें मिल जाता है, SPDIF का एक पोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, दूसरा जो 3.5 mm का ऑडियो जैक इसमें मिल जाता है। 55 इंच के टीवी में आपको जो बताना चाहूंगा कि इसमें USB 2 मिल जाते हैं, यानी कि दो USB आपको मिल जाते हैं, 3 HDMI मिल जाते हैं, एक AV मिल जाता है, ईथरनेट एक मिल जाता है और ब्लूटूथ का 4.2 आपको इसमें मिलता है, वाईफाई आपको मिल जाता है वो भी 2.4 GHz का ही है और SPDIF का आउट आपको एक मिल जाता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। यानी कि दोनों टीवी में आपको सेम से ही आपको पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, ज़्यादा कुछ आपको इसमें नया नहीं मिलता, सिर्फ आपको USB में ही फ़र्क आपको इसमें मिल जाता है। अब बात आती है दोनों के चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको सेम चिपसेट मिलता है जो है 7th जनरेशन का 64-bit वाला M लॉजिक का कॉर्टेक्स A53 वाला आपको क्वाड कोर प्रोसेसर चिपसेट आपको मिल जाता है। चिपसेट के मामले में बहुत ही अच्छा आपको चिपसेट आपको इस टीवी में मिल जाता है दोनों टीवी में। और बताना चाहूँगा कि GPU की बात करें तो मालिका 450 आपको GPU मिल जाता है दोनों टीवी में, तो वो आपको सेम आपको चिपसेट मिलता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका जो कस्टमाइजेशन है और इसका जो सॉफ्टवेयर वो बहुत ही स्मूथ इसमें काम करता है, तो वो भी अच्छी बात है। अब बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा जो 43 इंच वाला टीवी इसमें आपको 1 GB रैम मिल जाती है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन 55 इंच वाला जो टीवी है इसमें आपको 2 GB रैम मिल जाती है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। यानी कि रैम और जो रैम है और इंटरनल स्टोरेज है इसके हिसाब से वो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बात आती है दोनों के स्पीकर आउटपुट की। तो दोनों में स्पीकर आउटपुट सेम है, आपको 10 वोल्ट के दो स्पीकर मिलते हैं और इसमें भी आपको DTS साउंड का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, स्टीरियो साउंड स्पीकर आपको इसमें मिल जाते हैं। यानी कि स्पीकर आउटपुट बहुत ही अच्छा है इसमें, कमाल है, क्योंकि जो पहले के जो टीवी आपको MI के मिलते हैं वैसे भी इसमें भी आपको 10 वोल्ट के स्पीकर मिलते थे, पर इसमें भी आपको 10 वोल्ट्स के दो स्पीकर आपको इसमें मिल जाता है, कि स्पीकर में मामले में भी अच्छा काम है इसमें। अब बात आती है दोनों की सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में भी आपको सेम मिलता है, एंड्रॉयड ओरियो आपको मिल जाता है एंड्रॉयड टीवी की तरफ से, जो एक बहुत ही अच्छा है कि आपको पूरा दूसरे कोई टीवी कंपनी में आपको कोई एंड्रॉयड ओरियो टीवी आपको नहीं मिलता, पर इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो टीवी आपको इसमें मिल जाता है, जो एक एंड्रॉयड सर्टिफाइड टीवी आपको मिलता है। इसमें आपको पैच वॉल का कस्टमाइजेशन आपको लेयर मिल जाता है, इसमें आपको 7 लाख घंटे का जो वॉच टाइम कंटेंट है आपको एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगा, जो इसमें आपको 14 एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलने वाला है, तो वो भी अच्छी बात है, आपको एक कस्टमाइजेशन मिल जाए और इसमें
एंड्रॉइड ओरियो टीवी आपको इसमें मिल रहा है। तो ये बात थी सॉफ्टवेयर की। अब बात आती है इसके एसेसरीज यानी कि टीवी इन द बॉक्स आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आपको स्टैंड मिलेगा, पर इसमें आपको नाराजगी वाली बात ये है कि आपको इसमें भी आपको अभी तक वॉल माउंट तो नहीं मिलता है इन द बॉक्स, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। दूसरा इसका रिमोट जो स्मार्ट रिमोट है, इसमें आपको गूगल वॉइस सर्च का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि रिमोट से ही आप इसे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रिमोट से बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला आपको एक गूगल वॉइस सर्च आपको इसमें मिल जाता है। अब बताती दोनों की प्राइस की। तो 43 इंच वाला जो इसकी प्राइस रखी गई है 22,999 रुपीज, तो यानी कि 23,000 की प्राइस में आपको 43 इंच वाला टीवी आपको मिला है। वो वैसे भी आपको पुराना जो टीवी था 43 इंच वाला, उसमें भी आपको 23,000 की प्राइस इसमें मिल रही थी, लेकिन ये टीवी आपको 2019 का एडिशन के साथ में आपको ये टीवी ऑफर कर रहा है Xiaomi। दूसरा जो टीवी है वो 55 इंच वाला, इसकी प्राइस रखी गई है 39,999 रुपीज, यानी कि 40,000 की प्राइस में आपको ये टीवी मिल रहा है। लेकिन जो पुराना 55 इंच वाला जो थिनेस्ट टीवी है, उसमें आपको एक फर्क इतना ही है कि इसमें 50,000 की प्राइस इसमें रखी गई है, पर लेकिन ये 55 इंच वाला टीवी है, इसमें आपको 40,000 के प्राइस में आपको ये टीवी मिल रहा है। तो अगर आपको ये टीवी लेना ही हो तो आपको 40,000 वाला टीवी ले सकते हो, लेकिन आपके पास पुराना कोई 43 इंच वाला टीवी हो और आपको दूसरा कोई लेना का इच्छा हो गया, दूसरे को देना हो, तो ये नया वाला 43 इंच वाला दिलवा सकते हो। क्योंकि आपको एक बताना चाहूँगा, सेम प्राइस है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके आपको दे दिया है, बाकी कुछ कोई स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ जो भी है कनेक्टिविटी है पोर्ट्स है सब भी आपको सेम टू सेम मिलता है, इसमें कोई फर्क आपको इसमें नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी मी टीवी 4X Pro और मी टीवी 4A Pro की स्पेसिफिकेशन वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोजी की वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।